भाई मैं बताऊं मैं मैं अपना फर्स्ट एक्ट लिख चुका हूँ सेकंड थर्ड एक्ट लिख चुका हूँ बीच का मामला फंसा हुआ है लेकिन सुनो अगर इतना इजी हो गया ना तो फिर मूवीज भी यूट्यूब वीडियो जैसी हो जाएंगी हाँ मतलब तो एक्सपेरिमेंटल फेज पे वो होगा ना बड़ी सब एक्सपेरिमेंटल मूवीज लेकिन क्या होता है ना कि वो सब बना नहीं पाते होता है ना बा... चालू ही करना मुश्किल हो जाता है। अभी क्या मुझको लिखते लिखते ही मेरे को तीन मेरे को क्या है कि अभी इस पर दो चीज़ तो और भी लिख सकता हूँ तो मैं मुझको पता था कि मूवी का एंड कैसे करनी है ठीक है तो मैं क्लाइमेक्स लिख दिया मैंने फर्स्ट एक्ट भी चलो लिख दिया मैंने जेम्स गन से इंस्पायर हो गया

स्टार्टिंग के 25 मिनट के हिसाब से मैंने लिख लिया और आखिर के 25 मिनट लिख लिए। बीच हूं तो <laughs> यार। <laughs> यार। अब बसर की तरह उसको जिंदगी <laughs> तो, तो, बर्बाद कर दूं कि क्या करूं मैं इसके साथ अभी <laughs> <laughs> तो तुम तो, क्लाइमेक्स तो, जब लिख चुके हो तो जिंदगी कैसे बर्बाद हुई <laughs> नहीं, मतलब हो गई ना एकदम ही बर्बाद हो गई हाँ क्योंकि या। मैं मैं भाई यार कोई करो इसकी ही बना देता एक-एक का करके करके ठीक है <laughs> एनिमेटेड करके। सारे मिले मुझे कौन 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 करेगा तुम ही लगाओगे भाई पिता पैसा कमा रहे हो पिक्चर का तो कर कर पता कर नहीं।, नहीं वो एक रात करण जोहर बुला रहा था कि मैं बनाओ मैं तुमको बता देता हूँ बनाने के लिए भाई इस आदमी से हमारा कोई एसोसिएशन मेरा तो डिस्कनेक्ट ही हो गया मेरे को तो पीछे चलता हुआ करण जौहर के साथ उठता बैठता ही अब उठता बैठता है <laughs> उठता बैठता क्विक सक्सेशन में लेटता क्या पता <laughs> यही बोल रहा था ओ भाई भाई यार माता जी उनके बेटे सुन रहे हैं <laughs> नहीं <laughs> वो, बता वो, है। वो पता वो इसको पता नहीं यार आगे करते कुछ हिसाब किताब